7 के लिए देखते हैं। आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहा जा रहा था, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा हूँ, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -18 एंड +19, यानी कि -18 से लेकर के और +19 के बीच का सारा इंटीजर लिखना है। तो -18 से जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो -18, उसके बाद -17, -16, आप पूरा लिखेंगे, मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, है ना। -3, -2, -1, फिर से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 और 19 तक, इस तरह से आप नंबर इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, फिर से मैं बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग निगेटिव को पॉजिटिव नंबर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, पूरा पूरा उसका क्या वैल्यू होगा, और निगेटिव नंबर को सिर्फ करते हैं पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव ही छोड़ देते हैं। जैसे देखिए 2 का ए में मैं बता रहा हूँ -21 है, तो लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -21। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें है 3। 3 में आपको कहना है कि क्या कह रहा है, कि आपको लिखना है क्या, सक्सेसर और प्रेडिसेसर। तो 3 का आपको बताते हैं सक्सेसर किसको कहते हैं। सक्सेसर मतलब होता है वन आफ्टर, यानी कि एक आगे वाला, बाद वाला, और प्रेडिसेसर मतलब जस्ट एक बिफोर, यानी कि एक पीछे वाला। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, -32। इसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इस तरह से लिखिएगा, सक्सेसर इज इक्वल टू -32 +1। सक्सेसर के लिए एक जोड़ेंगे तो -31, और प्रेडिसेसर इज इक्वल टू -32 -1, एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा -33। तो इस तरह से सक्सेसर और प्रेडिसेसर निकालेंगे। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू साइन। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख सकते हो इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं लेस देन साइन, और ये वाला साइन को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन साइन, और ये इक्वल टू आप लोग जानते हो। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो नंबर बड़ा है उसके तरफ जो है आपको ये मुंह खोलना है ना। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ए में -18 है और ब्लैंक है और -14 है। अब ये दोनों में बड़ा नंबर कौन है, नेगेटिव साइड में उल्टा चलता है, इसलिए -14 बड़ा है, यानी कि -18 छोटा नंबर है। तो छोटा नंबर के लिए लेस देन साइन ये वाला लगाएंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए आपको कैसे सजा सकते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ए में असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा। तो इसके लिए आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ए में है -20, -35, +15, -40
और -15 और -24 सब निगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाला तो जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो निगेटिव वाला है वो छोटा होगा लेकिन उल्टा साइड से। तो इसको हम लोग कैसे सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे। और तब लिखेंगे इसका ऑर्डर लिखेंगे क्या है, सबसे इसमें देखिए इसमें सबसे छोटा सा नंबर कौन है, जो माइनस में सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, तो -40, उसके बाद -35, उसके बाद -24, उसके बाद -20 और -20 के बाद -15 और तब +15। इस तरह से आप लोग 5 बना लोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से बनाना है, इसमें बड़ा से छोटा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ऐड द सॉल्व द फॉलोइंग, है ना, सॉल्व द फॉलोइंग। और ए नंबर में है ऐड द इंटीजर -25 -51 -32 एंड 10। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या पढ़े थे कि एक जैसे साइन वाला को एक साथ जोड़ देते हैं और तब दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको इंटीजर्स को सबको ऐड करने के लिए हम लोग को ऐसे तो कर सकते हैं डायरेक्ट भी, 25 प्लस -51 और प्लस -32 और प्लस 10। आपको इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए कि जैसे 25 और 10 दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, 25 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और तब प्लस, और ये दोनों को एक साथ जोड़िए तो ये माइनस माइनस वाला है, दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए तो 1 और 2 3 और ये 5 और 3 8 -83। अब देखिए 35 माइनस प्लस माइनस गुना होकर -83, इस तरह से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा और ये 7, 7 में से 3 जाएगा 4, बड़ा साइन देंगे इस तरह से, तो ये आप जोड़ के बना सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में जो है क्या कहेंगे कि सबसे पहले आप फ्रॉम के बाद वाला नंबर को लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी बता ही देते हैं, -105 है उसको पहले लिखेंगे तब -94 लिखेंगे, दोनों माइनस में आ गया साइन तो इसका माइनस में आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 199 इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 8 पहले बता चुके हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -104 और इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 19 फाइंड द अदर। तो आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं हिंट्स दे दे रहा हूँ, दो नंबर है दोनों को जोड़ करके आता है -104, है ना, तो एक नंबर उसमें से दिया हुआ है 19, दूसरा नंबर क्या है जो नहीं मालूम, दूसरा नंबर को समझ लीजिएगा कि x है, उसके बाद x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 19 को उधर ले जाइएगा तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस तरह से निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए सबमरीन वॉज एट 932 मीटर एवव द सी लेवल। एक सबमरीन है, सबमरीन मतलब क्या होता है, सबमरीन एक जहाज होता है जो पानी के अंदर चलता है, तो एक सबमरीन है जो कि पानी के अंदर, है ना, सी लेवल बनाएंगे, सी लेवल के नीचे है 932 मीटर में। इफ इट एसेंड 500, अब ये एसेंड मतलब क्या होता है, ऊपर होना, ऊपर हुआ 579 मीटर, तो इसका नया पोजीशन क्या हुआ,
यानी कि इसका नया पोजीशन क्या आया। तो हम लोग नीचे तरफ के नंबर को हम लोग माइनस में लेते हैं और ऊपर तरफ के नंबर को प्लस में लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि माइनस 932 में प्लस हो गया 579। तो इस तरह से न्यू पोजीशन जो हो गया वो हो गया, दोनों को जोड़ के जो आएगा वो हो जाएगा न्यू पोजीशन, यानी कि ये हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3 और ये 2, 12 में से 7 गया 5 और ये 8, 8 में से 5 गया 3 और ये दोनों में बड़ा कौन माइनस, तो ये माइनस 353 मीटर बिलो। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं।